वेलकम टू माय फूड एंड टिप्स यूट्यूब चैनल। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बहुत ही इजी और मज़े की रेसिपी बनाएंगे। आप देखना है कैसे बनती है। मैंने एक आलू लिया, इसे छील लिया, अब हम इसको ग्राइंड करेंगे, कद्दूकस करेंगे। उसके बाद फिर आपको बताऊंगी इसका क्या करना है। आलू हमने कद्दूकस कर लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे इसका पानी सारा निकालने के लिए। थोड़ा सा नमक इसमें मिक्स करेंगे, उतनी देर हम बाकी चीज़ें तैयार कर लेते हैं। बहुत ही जल्दी ये रेसिपी बनती है, बहुत ही आसान है, बहुत टेस्टी है। अब हम इतनी देर दूसरी चीज़ें बनाएंगे। हमने एक प्याज लिया है, उसको छोटा छोटा सा काट लिया है, इसको भूनेंगे। थोड़ा सा इसमें ऑयल डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बस इतना सा ऑयल डालना है इसमें। मेरे पास चिकन नहीं था, मेरे पास ये मटन पड़ा हुआ था, उसको मैंने उबाल लिया है। अब इसकी छोटी छोटी सी ऐसे रेशे बनाएंगे। अच्छे से मैंने उबाल लिया है इसे। आपके पास चिकन है तो वो ले सकती हैं। ये देखें, ये मैंने अच्छे से उबाल लिया है, बहुत जल्दी इसके ये रेशे बन गए। अब मैं इसको प्याज में भून, अब प्याज को ब्राउन होने तक हम भूनेंगे। प्याज हमारा ब्राउन हो चुका है, हम इसमें मसाले थोड़े से हल्के से मसाले डालेंगे, ज़्यादा तेज़ नहीं। इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे और इसमें ये काली मिर्च, सुरख मिर्च नहीं डालूंगी इसमें, थोड़ी सी काली मिर्च डालूंगी और थोड़ा सा कुशेक धनिया इसमें डालेंगे और इसको इसमें ये वाला जो मैंने लिया है चॉप किया है बोलते हैं वो डालेंगे। इसमें थोड़ी सी हल्दी डालेंगे कलर आने के लिए। बस ये हमारा तैयार हो चुका है। अब हम आलू भी बनाएंगे। बहुत अच्छे से तैयार हो गए। अब हम एक बाउल लेंगे, उसमें जो मैंने आलू कद्दूकस किए थे उसमें से पानी ऐसे अच्छी तरह से निकाल लेंगे। उस बाउल में डालेंगे। नमक लगा के रखना है, पानी अच्छा से तरह से निकल जाता है इसमें। अब इसमें दो चम्मच आएगा मैदा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको मिक्स करेंगे। इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे, थोड़ा सा ज़ीरा डालेंगे, बाकी चीज़ें अपने हिसाब से डालनी, मेरे ख्याल में यही काफ़ी है इसमें। अब इसमें दो अंडे जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसको अच्छे से मिक्स करेंगे। देखना जो मैदा है उसकी गुठलियां ना बने, इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे, थोड़ा सा डालना है, बाकी उसमें डाला हुआ है जो इसमें चीज़ें डालनी है उसमें डाला हुआ है। थोड़ा सा ज़ीरा इसमें डालेंगे टेस्ट को बढ़ाने के लिए,
थोड़ा सा जीरा ऐड करेंगे। इसमें थोड़ा सा ऑयल डालेंगे पैन में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बस इतना सी डालना है, ज़्यादा नहीं डालना है इसमें। इसको सारे फुला लेंगे सारे पैन में ऐसे। ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है। आप इसमें डालेंगे जो जो मिक्सचर मैंने बनाया है, मिक्सचर वो इसमें डालेंगे। इसको ऐसे हलाते जाना है। सारा ही डाल लेते हैं। हम इस रोटी को यूं पलटाएंगे। बिस्मिल्लाह। और इसमें ये जो चीज़ें हमने तैयार की हैं वो इसमें डालेंगे। बिस्मिल्लाह। जो मैंने गोश्त भुना था वो है। अब ये बंद गोभी है, इसको ऊपर लगाएंगे। और ये चीज़ है, इसको ऊपर यूँ फुला देंगे अच्छे से। और ये सब्ज़ धनिया की जगह मैंने कड़ी पत्ता लिया है। आप सब्ज़ धनिया भी ले सकती हैं, जो आपके पास अवेलेबल है वो भी ले सकती हैं। अब इसको पलटेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसको यूँ ऐसे कर दें। बहुत अच्छे से तैयार हुआ है, बहुत मज़े का है। आप भी ज़रूर ट्राई करें। पहले इधर से पकाएंगे, अब हम इसको यूँ कर देंगे। हल्की आंच पे पकाना है। पहले तेल को गर्म अच्छी तरह से करना है, उसके बाद इसको ऊपर डालना है। जो मैंने भी मिक्सर बनाया था वो उसको डालना है। तो बाद में आग को स्लो कर देना है। बहुत जल्दी से तैयार होने वाली ये रेसिपी है। ये तैयार हो चुका है, हम इसको प्लेट में निकालेंगे। अब हम इसको यूं प्लेट में निकालेंगे। बिस्मिल्लाह। देखिए माशाल्लाह कितना अच्छे से तैयार हुआ है। के माशाल्लाह, हम इसको यूं काट के आपको दिखाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें माशाल्लाह बहुत से अच्छे से तैयार हुआ है। आप बच्चों को भी दे सकती हैं, ख़ुद भी खाएं, बच्चों को खिलाएं, टिफ़िन में रख के दें। बहुत अच्छे से, बहुत जल्दी बनती है ये रेसिपी। मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो मुझे कमेंट पर ज़रूर बताना कैसी रेसिपी अच्छी लगी है, कैसी लगी है मेरी रेसिपी। दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।